खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीकानेर दौरे पर पहुंचे पुनिया से खास बातचीत की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बीकानेर दौरे पर हैं और इस वक्त राजस्थान की सियासत बेहद गर्म है। सतीश पुनिया जी, आपने पीसी भी की थी और जो कुछ चल रहा है आपसे छुपा नहीं है, लेकिन एक जुमला भी चल रहा है कि देश कोरोना से लड़ रहा है और भाजपा चुनाव लड़ रही है। ऐसा है, मुझे लगता है कि कोरोना से खतरनाक वायरस देश में है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो जिस फितरत से काम करते हैं और इस चुनाव की आड़ में अशोक गहलोत जी ने जो खेल खेला है वो राजस्थान की बोली बाड़ी जनता नहीं समझ सकती। वो अपने आप में नायक बनना चाह रहे हैं, बीजेपी को और सचिन पायलट को खलनायक बनना चाह रहे हैं और अपने आप को आलाकमान की नज़रों में ये साबित करेंगे कि मैं बहुत कुशल प्रबंधक हूँ। या तो उनकी नज़रें राहुल गांधी की कुर्सी पे हैं, अब उनके मन में क्या है, लेकिन जिस तरीके का खेल खेल रहे हैं वो, मुझे लग रहा है कि एकदम साफ गणित थी। हमने कभी नहीं कहा, इस बात को साबित कर दें कि हमारा फॉर्म भरना असंवैधानिक है क्या, और झूठी बात एसओजी और एससीबी वो प्रमाणित कर दें। अभी 3 दिन तक जवाब नहीं दिया, उस बात का जवाब दे दें हम मान लेंगे, लेकिन ये बेबुनियाद सी बात है। अध्यक्ष जी, सवाल ये उठता है कि ये सब बातें होती हैं तो वो ले आते हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक और यहाँ तक गोवा की बात कर जाते हैं और फिर कहते हैं मक्कारी, होशियारी और समझदारी का खेल चल रहा है। ऐसा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इस देश में हमारी पीढ़ी के लोग भी जानते हैं कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आपातकाल किसने लगाया, 93 टाइम्स, 93 बार, 112 बार, 356 का उपयोग हुआ होगा, और 93 बार 356 का उपयोग करके लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है कांग्रेस पार्टी ने, किस मुंह से वो बात करेंगे। अब जब कल पीसी कर रहे थे और एक बात कही आपने कि ये जो आरोप लग रहे हैं एसओजी के, एसीबी के, और यहाँ तक कह दिया कि एक विधायक टच में थे, फोन रिकॉर्ड है, तो आप लोग क्या कोर्ट का डिफेमेशन का इनका सारा नहीं लेंगे? मैंने साफ तौर पर कहा है कि शिशुपाल की 99 गाड़ियाँ पूरी हो जाएंगी, हम इंतजार करेंगे, लेकिन वो मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान की राजनीति को बदनाम किया है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।